एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये तो रात के बज रहे हैं, 1:15। मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि भाई हमें नहीं पता, कोई बाहर घूम रहा होगा, हमारी बातें सुन रहा होगा, सोच रहा होगा क्या क्या क्या, क्या गिटर पिटर कर रहे हैं ये लोग। तो इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ। और बाहर बैठे हुए हैं, इतनी रात को ठंड हो रही है। क्यों बैठे हैं हम लोग? क्यों बैठे हैं क्योंकि हम पार्टी कर रहे थे शादी के बाद। घर पे आके एक पार्टी कर ली। आज मेरा ब्लॉग एडिट करने का मन नहीं कर रहा था। बना तो लिया था मैंने वहां से आने के बाद, जो घर का थोड़ा बहुत रूटीन किया है, लेकिन एडिट करने का मन ही नहीं कर रहा था। थक गई थी मैं गाड़ी निकलने में। रोड साइड पे घर होता है ना, यही चीज रहती है, कुछ ना कुछ गाड़ी आती जाती रहती है। उनमें से मैं भी शामिल हूँ, मैं भी आती जाती रहती हूँ। मेरी वजह से भी कई लोगों को दिक्कत होती होगी। एक और मिनी मेट्रो आ रही है शायद, नहीं नहीं आ रही। तो आज हमने पार्टी कर ली, डोसा पार्टी। मेरा ना वहाँ पे बहुत मन कर रहा था मौसी के घर खाने का। नव्या और मैंने कई बार प्लान बनाया, चलेंगे, बिल्कुल मोड़ पे ही है मेरी मौसी जी के ना, 1 मिनट भी नहीं लगता, पहुँच जाओ दुकान पे। बहुत वैरायटी के डोसे मिलते हैं वहाँ पे, बट जा ही नहीं पाए। शादी के टाइम पर घर पे ही खाना खा लेते थे, फिर पेट भर जाता था। ओवर ईटिंग अच्छी नहीं होती, वो भी कहीं और जाके तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो बाहर यहाँ पर बैठ के आज हम इंजॉय कर रहे हैं। और ये वाला ब्लॉग ना मैं अभी बना रही हूँ, और अभी 10-15 मिनट बाद बनते ही अपलोड कर दूंगी। आप भी कहोगे क्या कर रही है आज ये रात को बैठ के। पार्टी, हाँ करें डोसा पार्टी। डोसा पार्टी हो चुकी है, डोसा हमारा खत्म हो चुका है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, दिया के अंडे लिए पार्टी। अंडे उबाल रही हूँ। अंगीठी जला रखी है मैंने, ऐसे नहीं बैठे हम ठंड में, अंगीठी जला के बैठे हैं। बहुत सारे लोग फिक्रमंद हो जाएंगे मेरे लिए कि ये दीदी अंगीठी नुकसान करती है, अंदर मत रखना, बिल्कुल मत रखना। तो बिल्कुल अंदर नहीं रखने वाली, मैं यहीं पर छोड़ दूंगी। काफी सारा वेंटिलेशन है, आराम से धुआं निकल जाएगा, और मैं तो अंदर ही फील होती हूँ। फिर से कोई गाड़ी गुजरी मैं आज हम कर रहे हैं अंडे पार्टी। तो नहीं खाने की, मैं दिया अरे के लिए एग बॉईल कर देती हूँ, मैं नहीं खाती। मेरे को मतलब मन नहीं करता, एग वगैरह मुझको इतना पसंद नहीं है, तो मम्मी दिया के लिए बॉईल कर एक और दूंगी। गाड़ी आ रही है। नहीं आ रही, नहीं आ रही तो अभी हम देखते हैं कितने बजे सोते हैं, लेकिन बैठे हुए हैं। अब ना यहाँ पर बैठना थोड़ा सिक्योर सा हो जाता है। थोड़ा सा क्या होता है कि पूरा कवर हो गया है, बस ये चीज नीचे का एरिया मैंने खुला छोड़ दिया था। क्योंकि क्या है कि जब एकदम से मैं बेड पे भी लेटी होती हूँ ना, तो वहां से पता चल जाता है, पैरों से पता चल जाता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, पता चल जाता है। तो मैंने नीचे का एरिया नहीं कवर करवाया था, तो ऐसे चरपाई खड़ी कर देते हैं ना, तो कंबल लगा के आराम से हम बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी रात को मैं 12 बजे तक भी बैठी रहूंगी तो कोई डर नहीं है। यहाँ पे सो भी जाऊंगी कोई डर नहीं है, लेकिन अभी ठंड बहुत है, ठंड में ये रिस्क नहीं उठा सकते। पता चला सर्दी खांसी जुकाम की वजह लिए अंडे खा रहे हैं और बाहर सो रहे हैं अंडे खा के। गर्मी में देखेंगे, है ना। मम्मी दिया मुझसे कह रही थी अभी कल परसों, मम्मी आप तो कह रहे थे हम बाहर सोया करेंगे, ये अभी भी राजी है। अगर मैं कहूंगी ना सो जा, तो ये सो जाएगी, अभी नहीं सुनना, अकेले सुनना पड़ेगा तो आज आज का दिन बड़ा सा बिजी बिजी सा था, उसको हमने ऐसे ही निकाल दिया। देख मतलब काम करते करते बहुत सारे चेंजेस करे मैंने अपने घर में, बहुत सारे चेंजेस करे हैं। फैल जाता है, पता नहीं, इतने अच्छे से मैं लगा के गई थी पूरी अलमारी वगैरह, लेकिन अभी ऐसा लग रहा था सब निकाल निकाल के धो डालो कपड़े, धो डालो। मशीन वगैरह लगाई थी, कपड़े जचाने अभी थोड़े से रह रहे हैं, थोड़े जचा दिए हैं, थोड़े प्रेस को देने हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं। मैं अकेली जान परेशान हो जाती हूँ। मेरी मम्मी कहती है जब ऐसे ऐसे कोई काम करती है कुछ बड़े फैलावे वाले, तो मुझे बुला लिया कर, बट मेरे घर पे भी तो मेरी मम्मी अकेली करती है, मैं इसलिए नहीं बुलाती हूँ। और आगे देखो अभी प्लान बन रहा है, नेहा आएगी शायद, बन रहा है प्लान, बाकी तो कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते अभी ज़्यादा ना। और मैंने आज की ये वाली टी शर्ट ही कहेंगे इसको, नेहा हाँ की है ये, पहनी है इसके नीचे अपनी ये ब्लैक वाली इनर पहनी हुई है। ये बहुत गर्म है, ये बहुत पतली सी है और बहुत ज़्यादा गर्म है ये। इसको पहनने के बाद मुझे स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं पड़ती, ऊपर से ये भी गर्म है, गर्म टी और शर्ट है। मैंने पहन रखा है और इसके ये बाजू बस छोटे हैं, वाला। बाकी तो ये बहुत स्टाइलिश सी है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब खरीदी थी नेहा ने ये। तुम होने वाली थी, देखा फूलने वाली थी
तुम होने वाली थी। अब दिया का 5th बर्थडे आ रहा है, उसकी बहुत सारी प्लानिंग करनी है, दिमाग में बहुत कुछ है, बहुत कुछ सोच रही हूँ, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, जान तारे तोड़ लाऊंगी। शिवो के जैसे स्कूटर चाहिए, शिवो को जैसा स्कूटर चाहिए इनको। छोटा चाहिए बड़ा चाहिए? शिवो भैया बोला करो। अच्छा कौन है वो? शिवो भैया। हाँ भैया बोला करो। वो सोना, सोना का सोना दीदी नहीं, सोना तो छोटी है उससे। हाँ सोना छोटी है, लेकिन भैया बोलो करो उसको। गंदी बात करती हो तुम। मम्मा तुम भी बड़ा हो जाऊंगा ना तो किसी को बता देना। क्या बता देना? मेरे बर्थडे पे हर कोई बड़ा हो जाता है। मेरे बर्थडे पे कोई बड़ा हो, तुम्हारे बर्थडे पे मैं बुढ़िया हो जाऊंगी 1 साल और। क्यों? हाँ मैं बुढ़िया हो जाऊंगी तो आपसे तब हंसने लगेंगी। तो हंसने लगो, क्या हो गया? तो बुढ़िया तो होना ही है। क्यों? आपको तो अच्छी लगूंगी मैं। मम्मी देखो इसकी तो। मैं आपको अच्छी लगूंगी जब मैं बुढ़िया हो जाऊंगी तो। हाँ। तब भी प्यार करोगी मुझे? कहीं हंसने लगो मेरे ऊपर। अब छत पे कर दो। छत पे नहीं करूंगी आपकी बार बर्थडे। आपकी बार मैं बर्थडे छत पे नहीं करने वाली। नानी छत पे नहीं करूंगी, छत पे करूंगी नहीं, चाहे वो नानी की छत हो चाहे मेरी छत हो, मैं बर्थडे छत पे नहीं करूंगी आपकी बार। इस बार हाँ, अगली बार देखो कहाँ करते हैं, करेंगे नानी के घर पे, यहाँ पे नहीं करूंगी। आप ना पापा की और आप पापा की फोटो लेके भी जाने में पापा का भी ख्याल रखूंगा। हाँ पापा की फोटो को लेकर चलेंगे बर्थडे में। कितनी अच्छी बात बोली, पापा को याद रखा कर बस, मुझे मत पूछा कर तू, ठीक है? तो बस पापा को आगे आके रखा कर, पापा बहुत प्यार करते हैं, पता है पापा बहुत प्यार करते हैं। पापा आपको बहुत सारे गिफ्ट देते हैं, देते नहीं है मुझे। आपके बाद ना ओकोला वाले डॉल चाहिए। ओकोला वाली कौन सी डॉल होती है मुझे कमेंट करके बताना। ओकोला वाली कौन सी डॉल आई है भाई? ये हमेशा अपनी मौसी से भी डिमांड करती है, मुझसे भी डिमांड करती है, ओकोला वाली कौन सी डॉल है भाई? बच्चों तुम बता देना अगर कोई देखता हो तो, या फिर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों से पूछ के बता देना। पता नहीं कौन कौन सी चीज। और गार्ड भी। गार्ड भी? हाँ। गाड़ी भी? अरे गाड़ी नहीं, गाट। गाट जो गाट। जो डॉल के साथ खड़ा होता है, जो डॉल के साथ खड़ा होता है, जो गाट। हिल्ला होता है, जो हिल्ला होता है, हिल्ला होता है, जो हिल्ला होता है उसको मारना चाहता है, जो नहीं हिलता उसको नहीं मारता। क्या कहाँ देखी? जो हिल्ला होता है उसको मारना होता है, जो नहीं हिल्ला होता उसको नहीं मारना होता। कोई वो वाला मत सुना रहा बहन प्लीज। कौन सा? की क्या कहते हैं मेरी बहन वाला। क्यों? नहीं मुझे बिल्कुल पता है, ये सोना के बर्थडे से इसने वाला गाना सुना था ना, कौन सा 1000 मेरी बहन है, वो ही गाती रहती है, वो ही गाती रहती है 24 घंटे गाती रहती है। स्कूटी पे से मैं कहीं ले जाती हूँ, पूरी स्कूटी पे वो ही गाती रहती है, घर में उठते बैठते फोन चलाते टीवी देखते कुछ भी खाते पीते वो गाना इसका कंटिन्यूसली जारी रहता है। ही पागल हो गई सिखा के इसको। अभी मुझसे कहती बिजली बिजली कैन वाला गाना सिखा दो, बताओ अभी बिजली वाला गाना नहीं सिखाना। तो कुछ ऐसे ही जो है बच्चे के साथ पूरा दिन मेरा कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अरे माता चुप हो जाओ, मेरे को पता ही नहीं चलता कैसे मेरा दिन निकल जाता है, सच्ची बता रही हूँ। वहां से जब आए थे बड़ा अजीब लग रहा था, इतनी बड़ी फैमिली के साथ हम लोग रह रहे थे, 3-4 फैमिली एक ही घर शेयर कर रहे थे हम लोग। दीव मत करो बेटा, और फिर आके एकदम से अकेले अकेले रहो, फिर सबकी याद भी आ रही थी। बट कोई नहीं, ये रियल लाइफ है मेरी, अकेले अकेले वाली, ये रियल लाइफ है। और ये मेरी खुद की पिक्चर है, इसकी मैं खुद की हीरोइन हूँ, और ये मेरी हीरोइन की बेटी है ना भाई। और इसमें हम कैसे रहते हैं, किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, अब आगे चलती रहेगी कहानी। अभी मतलब पिक्चर ख़त्म कहाँ हुई है मेरी, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। और ये माचिस अंगीठी जलाई थी ना, इसलिए दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखो अंगीठी जल रही है, अंडे उबल रहे हैं बढ़िया तरीके से। इसको थोड़ी देर में दे दूँगी मैं,
डोसा इसने ज्यादा नहीं खाया है, इसको थोड़ी देर में एग वगैरह दे दूंगी। और आज ये पूरी दोपहर सोई है, तो 2 दिन तो इसको बजने हैं सोने में, और मैं तो मुझे लगता है मैं लुढ़क जाऊंगी, तो मैं खाने पीने का पूरा प्रबंध करके सोऊंगी। इसको दूध तो अभी मैं दे दूंगी थोड़ी देर में, लेकिन एग वगैरह जो है मैं अपने पास ही रख के हॉट केस में छील विल के आराम से उसमें रख के सोऊंगी, ताकि इसको भूख अगर लगती है तो ये कुछ अच्छी चीज खाए, चटरम पटरम ना खाए, ना ढूंढे। ठीक है भाई? हाँ, गलत बात होती है। तो सबको बाय बोल दो। बाय। क्या तो अपना ध्यान रखना। अपना ध्यान रख के देखो, एक बुक्या बहुत कुछ बना सकते हैं। ये नहीं बताते, कुछ सीख सकते हैं, बना सकते हैं बस इससे। बाय बाय।